दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय असेंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर ब्रिज मंडी तहसील जोगिंदर नगर डिस्ट्रिक्ट मंडी। जवाहर पार्क सुंदरनगर के मैदान में लगाई गई 25 लाख रुपए की हरी घास वर्तमान में बर्बाद होकर रह गई है। इस मसले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता आशीष शर्मा और बीबीएमबी व्यापार मंडल सुंदरनगर के प्रधान अश्विनी सैनी ने इस मामले की विजिलेंस से उच्च स्तरीय जांच करने की मांग उठाई है और इस मसले में संलिप्त विभागीय अधिकारियों से रिकवरी करने और उनके खिलाफ कड़ा संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। और जो भी इसमें कल्प्रिट्स पाए जाएं, उनसे इस पैसे की रिकवरी की जाए अल्टीमेटली, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि इनको पता नहीं था कि ये जो है ये खराब होगी घास और ये बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमारे ये मांग है कि इसमें प्रॉपर इंक्वायरी करके इसको जो है वो प्रॉपर इसमें इंक्वायर करके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जैसे सर प्रशासन का तर्क है कि जी जिसको ये हार करने के लिए दिया गया मैदान वो वैसे ही इसको करके देगा, तो इसके बारे में क्या तर्क है आपका? देखिए अब ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, पर ये तो मानने की सोचने की बात ये है कि जब पैसा लगाया गया, अब या तो पब्लिकली उस चीज़ को ये प्रशासन जो है वो पब्लिक डोमेन में लाए कि इसकी AMC हुई है या 10 सालों तक ये 25 लाख रुपये में यूँ बार बार इस घास को उगा के लाएंगे। तो जो हमारी नॉलेज में बात है वो ये है कि जो घास है वो उग चुका है और जो 25 लाख रुपए वो डूब चुका है। या तो पर्टिकुलर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि 10 सालों तक ये फिर उगाएंगे तो भी चलिए वो उसको माना जा सकता है, पर ऐसा कहीं रिकॉर्ड में नहीं है कि ये फिर से उगाई जाएगी या फिर से लगाई जाएगी या इसको फिर से मेंटेन किया जाएगा। अभी तो घास का 3 का भी वहाँ पे नहीं है, कीचड़ कीचड़ है। जैसे प्रशासन से तर्क मिला था कि जी मेला खत्म होने के बाद जो है जिस ठेकेदार को ग्राउंड दिया गया वो वैसे ही यथाबात इसको दोबारा करके देगा, वो तो अभी भविष्य की बात है। अभी तो आप जो हाल वहां पे नजर आ रहे हैं वो मुझे लगता नहीं है कि वैसा हो पाएगा। वो तो सिर्फ उनका तर्क है, वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। अब आप जनहित के लिए क्या कदम उठाएंगे आगे? जी जनहित में हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन पब्लिक मनी को यूटिलाइज किया जाए, इम्प्रॉपर प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। जो पब्लिक का पैसा है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही यूटिलाइज हो। जैसे सर शिकायतें भी की गई हैं, तो किस तरह से क्या इंक्वायरी चाहते हैं आप लोग? देखिए इसमें फिलहाल तो हम गवर्नमेंट से यही चाह रहे हैं कि विजिलेंस इसमें जांच हो, और यदि पर्टिकुलर इसमें जांच होती है और हम सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो हम इसमें अदालत में जाएंगे और जो भी उचित कार्यवाही जो कानूनन इसमें बनती है वो हम करवाएंगे। अभी तक लिखित शिकायत हो चुकी है इस मामले की? जी इसमें लिखित शिकायत हो चुकी है और विजिलेंस इसमें जांच कर रही है। ठीक। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। जोगिंदर नगर का एकमात्र असेंट पब्लिक स्कूल जो बच्चों के भविष्य में निखार लाने के लिए पूरी मेहनत से काम करता है। असेंट पब्लिक स्कूल की छात्रा वासु श्रवा व आकृति ने 10वीं की परीक्षा में बोर्ड के टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। जोगिंदर नगर के एकमात्र असेंट स्कूल जहां से दोनों ने मेरिट स्थान पाया है और स्कूल का परिणाम भी 100% रहा है। वही स्कूल सहित माता पिता का नाम रोशन किया है। स्कूल में जहां अनुभवी स्टाफ है वहीं पढ़ाई का भी पूरा माहौल है। A School of Excellence. Registrations open for classes nursery to 12th science stream. For more information, contact 98184-57284, 98576-00039, 98173-47934.